हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 23 जून। 23 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ पर हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका SSC MTS का, क्योंकि एडमिट कार्ड आज जारी हो गए हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई तक 26 तक आपका एंडिंग हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे, पहले, पांचवे, दूसरे। तो हमारा भारत 2021 में जो अक्षय ऊर्जा है इस स्थान पर तीसरे स्थान पर, जो कि हमारा भारत जो कि अक्षय ऊर्जा स्थान में जो कि रहा है। यहाँ पे डिटेल, भारत केवल चीन 136 गीगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। और RE21 की रेन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो कि GSR 2022 के अनुसार इस दशक में दुनिया के महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो कि सक्षम होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष की कर दी गई है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो यहाँ श्रीलंका में इसका सही ऑप्शन हो जाए। तो श्रीलंका में जो कि विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा संशोधन जो कि 21 वर्ष से कर दिए गए हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में जो कि बढ़ोतरी करके अब संशोधन करके 21 वर्ष कर दी गई। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस फैसले की जो कि घोषणा की गई है। हालांकि सऊदी अरब के लिए न्यूनतम आयु जो कि वहां पे 25 वर्ष रखी गई है, मध्य पूर्व अन्य देशों के लिए वहां पे जो कि 23 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किए? तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का इन्होंने विमोचन किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि संकल्प लेना चाहिए और अपनों को भी संकल्प के साथ जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई और चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की महिलाओं ने जो कुश्ती टीम अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को इन्होंने खिताब जीत लिया है। यहाँ पे भारत की महिला कुश्ती टीम ने जो कि किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष स्थान पर रहा है, और जापान 143 अंक के साथ जो कि दूसरे स्थान पर है, और मंगोलिया जो कि 138 अंक के साथ यहां तीसरे स्थान पर है। तो हमारा भारत, फिर जापान दूसरा, फिर मंगोलिया थर्ड में, जो कि 245 अंक जो कि भारत का है, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। अगला क्वेश्चन, असम वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो 35वां, 37वां, 36वां, 34वां। तो असम वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना को लागू करने वाला जो कि 36वां राज्य बन गया है असम। तो याद रखिएगा, 36वां राज्य बन गया असम वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना में लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ONORC योजना को सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु जो कि माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा जो कि राज्य बन गया है, सबसे बड़ा जो कि माइक्रो फाइनेंस में ऋण देने में, तो यहाँ तमिलनाडु बना है। तो तमिलनाडु माइक्रो फाइनेंस ऋण बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़े राज्य
के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के स्थान लिया है, जो कि AMFIN माइक्रोमीटर Q4FY2122 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क AMFIN द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु को सकल ऋण पोर्टफोलियो GLP 36,806 करोड़ रुपये था। इसके बाद बिहार 35,941 करोड़ रुपये, इसके बाद पश्चिम बंगाल है 34,016 करोड़ रुपये का स्थान रहा है, जिसको तमिलनाडु जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस मंत्री ने ओडिशा के पुरी के शारदा बली में 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 को उद्घाटन किया, तो रामविलास पासवान, पीयूष गोयल, विशेश्वर टुड्डू, किरेन रिजू, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेश्वर टुड्डू ने जो कि हाल ही में उड़ीसा के पुरी के शारदा बली में 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 के उन्होंने उद्घाटन किया है। तो जनजाति मामला और जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने उड़ीसा के पुरी के जो कि शारदा बली में 20वें लोक मेले, राष्ट्रीय आदिवासी लोकगीत और लोक नृत्य उत्सव और 13वें कृषि मेले 2022 के इन्होंने उद्घाटन किए। आदिवासी संस्कृति को रक्षित क्योंकि करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों मेले 5 दिनों तक जारी रहेंगे और 24 जून को इसका समापन है। 8वां क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के किस जिले के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई, तो भुज, जयपुर, कच्छ, गुरुग्राम। तो गुजरात के जो कि कच्छ जिले में 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है, तो गुजरात में है कच्छ स्थान पर। गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटागुआ और वटसर गांव में जो कि पंचायत शुरू की गई है। 9वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पर शाबाश लिखकर एक बायोपिक बनाई गई है, तो हरप्रीत कौर, अनु कादियान, मिताली राज, रीना कुमारी। तो यहाँ मिताली राज जो कि इसके बेस्ट है, जो कि एक महिला क्रिकेटर है, तो मिताली राज पर जो कि टीम के पूर्व कप्तान पर जो शाबाश मिट्टू एक बायोपिक बनाई गई है, जो कि मिताली राज पर यहाँ विशेष है। जहाँ पे एक्सप्रेस फिल्म निर्माता सृजित मुखर्जी ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू, जिसे एक्ट्रेस है सभी को पता है, तापसी पन्नू स्टार बायोपिक शाबाश मिट्टू को ट्रेलर जारी किया गया है, तो याद रखिएगा ये भी। 10वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 1 अगस्त, 15 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जून। तो 1 जुलाई को जो कि केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, तो 1 जुलाई से याद रखिएगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का कार्रवाई किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइलिन और विस्तारित पॉलीस्टाइलिन सबसे बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अब अवैध है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई से जो कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन भी आ जाएगा। उसी तरह के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अच्छा लगा आज के करंट अफेयर्स तो कमेंट करें। थैंक यू।